गुड आफ्टरनून ईस्टर्न एक्सपोर्टर्स। नहीं नहीं कोई बात नहीं मिसेस शर्मा, एक मिनट। अरे तू तो अकेली हंसी जा रही है, क्या कह रही है? घर बुलाया है, जीजू नहीं लगता। हाँ रिला, अच्छा मैं आधे घंटे के अंदर आता हूँ। 20 मिनट में? अच्छा अच्छा अरुणा, क्या तुम समझती हो तुमसे दूर रहना मुझे अच्छा लगता है? कभी कभी तो जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे सामने बैठा रहूं, बस तुम्हें देखता रहूं। लौटा काशीनाथ जी। ब्रदर, ईस्टर्न एक्सपोर्टर आजकल सिर्फ इश्क एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या मतलब? वही टेलीफोन। शर्मा जी ने 40 बरस की उम्र में शादी करके पूरे दफ्तर को बारात बना दिया। रोज घंटे में 2 घंटे टेलीफोन होता है। घंटे में 2 घंटे? ये कौन सा हिसाब हुआ? अरे पंजू मन, इस किसी हिसाब में आया है? तुम आ गए? उठो मन, गा। चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने। अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा। गा। मुझे बहुत दुख होता है, मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा। जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं। मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी? कहां से सीखी? सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से। मैं तैयार हूं खाने के लिए, विश्राम करते। सुनो, आज हम न जाए तो? कैसी बातें करते हो, न गए तो बदनामी होगी। वो क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा हंस देंगे, कहेंगे नई नई शादी हुई है, निकले होंगे तो एक दूसरे की शक्ल दिख गई होगी। नहीं नहीं, मुझे चलना ही पड़ेगा। वो ब्लाउज को तो लगा दो, मैं ऐसे रहना चाहिए जैसे तुम शादी के पहले थे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? दुख लग गई है, अब मैं चाहूं भी तो वैसे नहीं रह सकता। पहले मैं कहता था ये सब कार व्यवहार मर्जी से चलते हैं, बीच में ये औरतें क्या करती फिरती हैं। और अब सोचता हूं ये मर्द क्या बकवास है। जानती हो ना, पहले क्लब और पार्टी ही मेरी जिंदगी थी, अब तो भीड़ से मुझे सख्त घबराहट होती है।